जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग सारे रेडी हो गए हैं। देखो हनु भी रेडी हो गया है और यहाँ पे ना बारिश हो रही है और हनु को मैंने जो है फुल बाजू के कपड़े पहना दिए। यहाँ पे पापा भी रेडी हो गए और ये हिमांशी है और आज सब रेडी हो गए। बस सब यात्रा के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी कर दिया और मैं जो हूँ नंगे पैर दर्शन करने जा रही हूँ यात्रा। ये देखो यहाँ पे रेडी नहीं हुए। चलो भाई चलो, जल्दी लेट हो रहा है आपका। मैंने चलो जय माता दी, जय माता दी। चलो चलो जल्दी जल्दी, अभी बहुत दूर चलना है, पैदल यात्रा करनी है। मौसी सारा कुछ ले लिया ना? चलो ठीक, दूध वगैरह मैंने ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे होटल वाले भैया ने गाड़ी वाले को कहा था कि हमें आगे तक छोड़ दें, तो उसने हमें आगे तक छोड़ दिया था। और जहाँ पे एंट्री स्टार्ट होती है, मतलब थोड़ा सा पीछे छोड़ा था, शॉप वगैरह थी थोड़ा उनकी, वहीं पे हमें ना उतार दी, सबको वहीं पे छोड़ा था, एक एक करके लेके आए थे। जय माता दी। तो हम लोगों के गाड़ी वालों ने ना पीछे उतार दिया और हम लोगों ने 5:30 बजे यात्रा चालू कर दी है। और हम लोग जहाँ से मतलब एंट्री चेकिंग पॉइंट जो है वहाँ तक हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस करके ही जाएंगे। और अभी कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी अभी पीछे हैं वो, और बस उनका वेट करेंगे थोड़ा। मैंने मतलब बहुत औसम लग रहा है और ये अर्धकुंवारी यहाँ से हमें दिख रहा है। हमें यहाँ पे जाना है, यात्रा करनी है। ऊपर प्यारा व्यू लग रहा है ना कि बस मन खुश हो गया। ये है मेन एंट्री यात्रा के लिए। तो इतनी भीड़ थी कि काफी पीछे से लाइन चालू थी और बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। ऊपर से हल्की हल्की बारिश धूप यही हो रहा था। ये लेडीज और जेंट्स की लाइन, ये जेंट्स हैं इधर से घूम के, ये इधर हैं, मतलब इस साइड से आएंगे, और लेडीज से जो है इधर से, मेरा यहाँ पे लिखा है, वो उधर से एंट्री करेंगी, वो भी उधर निकलेंगे। जो हमने कार्ड बनवाया था तो वहाँ पे लिखा था 6 घंटे तक वैलिड है एंट्री, लेकिन हम लोगों को 6 घंटे से ज्यादा हो गया था, तो हमें टेंशन थी कि हमारी एंट्री होगी नहीं होगी, लेकिन हमारी एंट्री बहुत आसानी से हो गई थी। जयकारा शेरावाली का, बोल सारे दरबार की जय। तो हम लोगों की यात्रा आरंभ हो गई है। अब हम सारे मिल चुके हैं, बहुत टाइम हो गया था हमें यहाँ पे वेट करते करते, आधे पीछे थे आधे आगे थे, बस अब मिल गए। बस 7:30 हो गए, 7:30 हो गए, अब देखते कितने बजे भवन पे पहुँचते हैं। थोड़ा आगे चल के जो है मार्केट चालू हो जाती है, जहाँ पे हम फोटो खिंचवा सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे जो है गुलशन कुमार जी का लंगर है, जो गुलशन कुमार टी सीरीज वालों ने लंगर किया हुआ है। वहाँ 24 घंटे लंगर मिलता है, लेकिन हम तो खा नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे और मुझे मम्मी पापा के लिए घोड़े भी कराने थे। और जो है ये जो मार्ग है ताराकोट मार्ग है, इस रास्ते पे घोड़ा खच्चर पालकी पिट्ठू कुछ किसी चीज की सुविधा नहीं है, तो हम लोग इस रास्ते से नहीं गए। ये भी नया रास्ता बना था, हम लोग पुराने रास्ते से ही गए क्योंकि हमें घोड़े करने थे मम्मी पापा के लिए, तो हम इसलिए पुराना रास्ते से गए। और नए रास्ते पे कोई मार्केट नहीं है, वहाँ पे खाने पीने का है लेकिन मार्केट नहीं है। पुराने रास्ते पे आपको मार्केट, सारी मार्केट जो है पुराने रास्ते पे है। बाढ़ गंगा भी पुराने रास्ते पे, नए पे नहीं है। ये जो है यहाँ पे पिट्ठू पालकी और सबके रेट लिखे हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि इन इन रेटों का तो कोई मायने ही नहीं था। उनके मन में जो था वो बस वही रेट ही हमें बता रहे थे। ये है बाण गंगा, वो है यहाँ पे जो है माँ वैष्णवी माँ ने अपने तीर से जो है मतलब गंगा नदी निकाली थी, जहाँ हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, तो इसीलिए जो है बाण गंगा कहते हैं इसे। और साथ के साथ बाण गंगा भी इसे ही कहते हैं क्योंकि माँ वैष्णव माँ ने अपने केश भी इसी गंगा में धोए थे, जिस कारण इसका नाम बाण गंगा भी पड़ा। और फिर आगे चल के जो है घोड़े हमें मिल गए थे मम्मी पापा के लिए, बहुत मुश्किल से घोड़े मिले थे क्योंकि कोई रेट बहुत ज्यादा रेट मांग रहे थे। सकते हम लोग नहीं भैया, अभी नहीं, देखो कितना रश है। ये है इच्छापूर्ण मंदिर, पहला मंदिर यही पड़ता है। और ये हनु को देखो सो नहीं रहा बिल्कुल भी, देखो ये मार्केट, और इतना रश है ना, और हम भी थक चुके हैं, घोड़े भी बहुत ज्यादा मुश्किल से हुए हैं,
क्योंकि घोड़े वाले बहुत ज्यादा हाई फाई रेट बता रहे हैं। और यहाँ से देखो अर्धकुंवारी ये है चरण पादुका। जब भैरव जो है माता वैष्णवी के पीछा कर रहे थे तो इस जगह पर उन्होंने जो है रुक के देखा था कि भैरव अभी कितनी दूर है, तो यहाँ पे चरण पादुका जो है इसी कारण पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो है माता वैष्णवी के पैरों के चिन्ह रह गए थे। ये बैठी हनु को लेके और इतना रश है, बस अभी हमने चरण पादुका ही पार किया है, बहुत ज्यादा रश है। कैसे मुझे भी तो खिलाने देखो, मैं भी चेक करते कैसे बोले तो बहुत टेस्टी है, और पानी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, खट्टा खट्टा। जय माता दी। और हालत देख रहे हो कैसी है, सांस बहुत ज्यादा भर चुका है, रास्ता तो बहुत ही ज्यादा परेशान, और काफी सारी मार्केटें भी ओपन हो गई है, और सबसे ज्यादा दुखी तो उन घोड़े वालों ने किया हुआ है, पैदल चलने का रास्ता नहीं छोड़ा, ऊपर से गर्मी, कहां दिन में बारिश हुई थी और अब बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही अभी तो, बाकी देखते हैं आगे। हमें लग रही बहुत ज्यादा भूख, और हम सोचे पहले कुछ खा ले फिर आगे चढ़ाई करते हैं, हल्का फुल्का तो ज्यादा है भी नहीं खा पाएंगे। आधे तो आगे चले गए, मैंने अपने मम्मी पापा को घोड़े पे भेज दिया, पैदल जा रहे हैं, नहीं खाने तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, पिला दो मुझे, बहुत ज्यादा भूखा भी चुके हैं और लेट भी काफी हो गए यार, पता है इतने सारे मेंबर है ना, पता है हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हुई कि घोड़े वाले जो है इतना रेट हाई फाई कर रखा है ना कि जो इनकी सरकारी पर्ची कटती है तो वो 1250 लेके इन्होंने इतनी लूट मचा रहा है कि कोई 5000 मांग रहा, कोई 7000, कोई 3100, कोई 2100, तो हार के हमें फिर 1850 के घोड़ा हुआ है एक घोड़ा, और दो घोड़े हमने करे हैं, ये हमने 1850 के हुआ है ना, हाँ, और मतलब इतनी लूट मचा रहा है ना कि बस कुछ पूछो मत, हमने तो पहले तो ये क्या था कि 1250 इनका रेट था, इतना ही लेते थे, लेकिन अब इतना रेट हाई फाई कर दिया है, गरीब इंसान भी आते हैं यहाँ पे, तो इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं लूटना चाहिए, तो बस ये भी कुछ खाते हैं और फिर पानी पीने की सुविधा है, और बीच बीच में ऐसे पानी के हैं, शौचालय भी हैं मेरा, और बैठने का भी है, मतलब बीच बीच में ये सब रास्ते में जो है आपको ये सुविधा मिलती रहेगी। बीकानेर वाला भी है और इस पे स्वीट चाट सब मिलता है। खीरे खाने क्या? नहीं। खड़े क्यों फिर? खीरे चलो फिर, कितने की चीज के लिए मना कर दिया? कितने के पूछो, ये भाभी खाना नहीं खा रहे भैया, कितने के खीरे देना? 100 रुपए 20 का एक ले लेना, 20 का सारे खा लेंगे ना, चटनी वगैरह लगवा लेना, चटनी मसाला भी सब डाल देना इसमें। 271 सीढ़ियाँ, बट हम सीढ़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि सीढ़ी से बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, तो हमने सीधा रास्ता ही पकड़ा है, हम स्ट्रेट वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। देखो कि नाइट का व्यू कितना प्यारा है ये, और रेलवे स्टेशन भी यहाँ से दिख रहा है हमें, पहला चेक पोस्ट है, हम लोगों की सुविधा के लिए
ये लोग भी कितना बोझा ढोते हैं ना, देखो सिलेंडर वगैरह सब जा रहा है। यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, एक हिमकोटी मार्ग, एक होता है हाथी मथे मार्ग। हिमकोटी मार्ग पे जो है बैटरी वाले मिलते हैं, मतलब बैटरी कारें जाती हैं। बैटरी कार की बुकिंग हम 2 से 3 महीने पहले करते हैं, ऑफलाइन नहीं होती है वहाँ पे। और जो भी वहाँ पे इस टाइम वेटिंग एरिया चल रहा था वो ऑनलाइन का ही चल रहा था। मतलब मार्ग पे कोई बैटरी कार नहीं जाती, ये अर्धकुंवारी होते हुए जाते हैं रास्ता। सारे पहले दुनिया जय माता की बोल रही है। तो आज जो है मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, और बाकी हम लोग शाम को रूम में जाके सेलिब्रेट करेंगे। और फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं, और यहाँ पे देखो बीकानेर वाला भी है और सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे हम आराम से खा भी सकते हैं, मिली केक लिया। और यहाँ पे जो है शाइन बोर्ड की तरफ से है, यहाँ पे देखिए इनके रेट जी ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, और खाना भी अच्छा होता है। अभी क्लोज हो चुका है क्योंकि नाइट का समय हो गया है, रात हो रही है, 12 बज रहे हैं, तो अभी क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। इसे अर्धकुंवारी या गर्भजून की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है जब भैरव माँ वैष्णो माँ का पीछा कर रहे थे तो माँ उनसे छुपने के लिए इस गुफा में 9 माह रही थी। जिस प्रकार एक शिशु अपनी माँ के पेट में 9 माह रहता है, उसी प्रकार माँ वैष्णो माँ भी यहाँ पे 9 माह रही थी, जिस प्रकार इसे गर्भजून या अर्धकुंवारी कहा जाता है। तो हमने ये भी मिठाई ली है, अभी फिलहाल यही इसी से काम चलाएंगे, मुंह मिठा कर आएंगे सबका। ये 20 रुपए का एक है लड्डू, बीकानेर से लिए हैं ये, तो अच्छे तो होंगे। और अर्धकुंवारी से 2 रास्ते निकलते हैं, एक तो निकलता है हिमकोटी मार्ग बेटू भवन जहाँ पे लिखा है, और दूसरा होता है हाथी मत्थी की चढ़ाई, जो बिल्कुल हाथी की तरह टेढ़ा मेढ़ा सा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो हम लोग हिमकोटी मार्ग से ही गए थे, और क्योंकि वहाँ पे जो है इतनी चढ़ाई नहीं है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन हाथी मत्थी की चढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन। भगवती भवन है, यहाँ पे हम लोग रूम ले सकते हैं, लेकिन पहले से बुकिंग करानी होती है, कई बार हमें अवेलेबल मिल जाता है। और यहाँ पे देखो बंदर कैसे सो रहे हैं आराम से, पानी की टंकी में बहुत प्यार से सो रहे बंदर। यहाँ पे ना हनु सो गया, तो हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो सारे के सारे हम यहाँ पे बैठ गए, पन्निया बिछा बिछा के देखो, और बहुत ठंड हो रही है और हवा बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है। और यहाँ पे हम करते हैं इनका मुंह मीठा, जो मिठाई लेके आए, चलो भाई किया जाता है, अपने अपने सामान का ध्यान रखें, अपना मोबाइल। अब खा लो, खाओ, नाजुक है, ठंड हो गई है, और 2 बजे रात के, मैंने भी जैकेट पहन लिया है, और हनु अपने पापा के साथ जा रहा है, वो भी सो गया, और उसको भी गर्म कपड़े और शॉल से कवर कर दिया मैंने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। वो तो बच्चा है, उसे तो ज़्यादा लगेगी। और मम्मी पापा जो मेरे घोड़े पे गए थे, तो उनके कपड़े भी हम लोगों के पास ही हैं। अब चिंता ये हो रही है कि वो लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे इतनी ठंड को। और वैसे मैंने उन्हें बोला था कि दुर्गा भवन पे आप रुक जाना, बाकी देखने जाके, क्योंकि अभी हमें पहुंचने में टाइम लगेगा, अब थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मैनेज हो जाए। तो देखो हनु सो गया, हनु अपने पापा की गोद में आराम से ज्यादा सोता हुआ।
हेमकोटी मार्ग पे भी जो है पानी की सुविधा और कॉफी चाय खाने हर सब चीज की सुविधा है हेमकोटी मार्ग पे भी। हमने अपने बच्चे के लिए ना गाड़ी पूछी थी कि हम अपने बेबी को ले जाते हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिली कहीं रास्ते में, सब हाउसफुल था, तो इसलिए हम अपने बच्चे को जो है गोद में ही लेके गए आराम से। और बच्चे की गाड़ी का जो प्राइस था 540 रुपये था बाणगंगा से सीधा भवन तक। कोटी पॉइंट, यहाँ पे डोसा पॉइंट भी है, डोसा इसका बहुत टेस्टी होता है, हमने कई बार खाया लेकिन अब तो नहीं, बंद हो चुका था, इसलिए अभी हमने नहीं खाया, लेकिन काफी टेस्टी डोसा होता है इसका। भवन अभी 3 किलोमीटर अभी दूर है। फाइनली भवन का पहला द्वार, तो बोलो जयकारा शेरावाली का साचे दरबार की जय। और गाइस यहाँ पे बारिश इतनी हो रही है, इतनी कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। हरतुकारी के बाद माँ जो है यहाँ पे पिंडीय रूप में है, और यहाँ पे जो है माँ कालिका, माँ सरस्वती और माँ वैष्णवा तीनों ही माँओं के यहाँ पे पिंडीय रूप में दर्शन होते हैं। मौसम देखो, सुबह का नजारा कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ धुंध धुंध और हल्की हल्की बारिश, बहुत ज्यादा प्यारा था। इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे बैटरी कार भी खड़ी है अभी। जय माता दी। पन्नी फेंकना मत। और सुबह के बज रहे हैं 5, और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। और क्या है, देखो कितनी बारिश हो रही है। चलो चलो आगे चलते हैं, चलो अंकल। जो प्रसाद की शॉप है ये शाइन बोर्ड द्वारा है, और यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 100 रुपए का प्रसाद मिलता है, आप इजिली ले सकते हैं। जय माता दी। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन काफी अच्छे हुए, बट बहुत ज्यादा भीड़ थी। और दर्शन कैसे हुए? बढ़िया, दर्शन कैसे हुए? दर्शन में मेरी पूरी फैमिली को काफी अच्छे हुए, और काफी अच्छा लगा। और ये जो ऊपर का रास्ता है ना, ये वाला अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है, लेकिन जब भी बन जाएगा तो हम अभी तो हम यहाँ से गए इस लाइन से, लेकिन फिर हम इस वाली लाइन से जाया करेंगे, तो अभी बना नहीं है, लेकिन अभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बहुत ज्यादा वहाँ पे ऐसे मतलब काफी घुमाव है, और देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है, देखो बहुत ज्यादा हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है, मौसम बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है इस टाइम। भैरव बाबा जाने के लिए रुपए है, इसका जो किराया है 100 रुपए है, आना जाना 50, आना 50 जाना, और 2 घंटे का टाइमिंग होता है। इसी से जो है भैरव का दर्शन किए, फिर दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए थे, और अब फिर सीधा हम लोग रात को ही होटल पहुंचे, तो देखो कितना प्यारा व्यू है भैरव के यहाँ का, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था हमें, और बहुत औसम था, हल्की हल्की धूप बारिश बस यही था, और देखो बादल कैसे छाए हुए हैं। अभी अभी आए हैं, मतलब यात्रा करके कंप्लीट, और इतना थक गए, और 11:30 हो रहे रात का, और बस मेरे 15 मिनट थे, तो मैंने 15 मिनट में छोटी सी बस डेकोरेशन कर दी, क्योंकि मुझे केक तो इस टाइम पे नहीं मिला, मैंने मार्केट में ट्राई किया लेकिन मुझे केक नहीं मिला, तो मैंने भी चॉकलेट मंगाई, मतलब चॉकलेट से हम बस उसी को केक की तरह हम उसे काटेंगे और जो है सबको खिलाएंगे। और देखो मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता भी कुछ भी, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, अभी बस थोड़ी देर पहले ही आए थे, खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा इतने, और इन्हें पता है कि सिर्फ हमने सिर्फ खाना ऑर्डर किया है, ये नहीं पता कि हम लोग छोटा सा एक मतलब प्लान करा है कि हम बस गए ऑलमोस्ट, सिर्फ मम्मी पापा वगैरह हम ही है, तो हम ही सारे हम ही मिलके जो है सर बर्थडे मनाएंगे। उसमें वो होता ना रिसेप्शन पे, बोलो जल्दी आओ, जल्दी आप खोलो खाना भी खाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमसे भी ज्यादा डेकोरेशन, थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने कर दी अभी फिलहाल।